हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने यूनिट वेट ऑफ द सॉइल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो जो भी इसमें मेथड्स थे उसके बारे में हमने डिस्कशन किया, जैसे कोर कटर मेथड, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, सबमर्ज डेंसिटी मेथड और सैंड रिप्लेसमेंट मेथड के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। उसी क्रम में इस वीडियो में हम लोग पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को इन जनरल हम कह सकते हैं कि ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन भी इसको हम कहते हैं, या फिर इसके सिंपल टर्म में अगर हम एक्सप्लेन करें तो ये क्या है, ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि डिफाइन करता है कि कितने अमाउंट में जो मिनरल या ग्रेन्स हैं उस सॉलिड में वो प्रेजेंट हैं, या फिर वो पार्टिकल उस सॉलिड में कितने अमाउंट में प्रेजेंट हैं। तो इसमें क्या है, हम लोग उस पर्टिकुलर सॉइल के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जो भी सॉइल है उस सॉइल में किस प्रकार के पार्टिकल हैं, यानी जो ग्रेन्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, उसके ईच एंड एवरी ग्रेन्स के बारे में डिस्कशन किया, उसका साइज कैसा है, उसका शेप किस प्रकार का है। तो इसमें सभी डिस्कशन है। जैसे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में हमको पहले जानना पड़ेगा पार्टिकल का साइज, पार्टिकल क्या है, पार्टिकल का साइज क्या है, पार्टिकल का शेप क्या है, इसको हम लोग क्या है एक यूनिफॉर्मली डिस्कशन करेंगे। देन जो है आपका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन आपका, जैसे कि उसमें तमाम मेथड्स हैं, जैसे आपका सीव सेकर हो गया, ठीक है, और भी आपके कह लीजिए कि सेडिमेंटेशन मेथड हो गया, ठीक है। तो इन सब के थ्रू क्या है, हम लोग पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि पार्टिकल क्या है, ठीक है, कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल क्या है, इसको देखिए। पार्टिकल साइज और ग्रेन साइज रिफर टू द डायमीटर और द ग्रेन ऑफ द ग्रैनुलर मटेरियल, ठीक है। अब यहाँ देखिए कुछ आपको ग्रेन्स के बारे में डिस्कशन, मान लीजिए ग्रेवल कट ग्रेन्स कैसा होता है, तो ये जो है आपका 2 mm से लेके 75 mm, ये छोटा ही है, इवन आपका 4 mm 4.75 से लेके 70 80 mm तक ये होता है, ठीक है, अभी डिस्कशन हो जाएगा। सैंड के लिए जो है आपका कुछ ये साइज दिया गया है, सिल्ट और क्ले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, फ्रॉम ASTM D2487 के अकॉर्डिंग ये आपका सॉइल के कुछ मेजर और माइनर डिविजन्स हैं। तो हम लोगों ने सॉइल को जो है दो भागों में डिवाइड किया है, कोर्स ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल, ठीक है। तो कोर्स ग्रेन सॉइल में आपका ग्रेवल और सैंड आते हैं, फाइन ग्रेन सॉइल में आपका सिल्ट एंड क्ले, सिल्ट एंड क्लेस, मतलब इसमें लिक्विड लिमिट के हिसाब से इसमें हम लोगों ने कैटेगराइज किया है, ठीक है। तो ग्रेवल, तो पहले ग्रेवल का साइज जानिए, ग्रेवल का साइज इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 4.75, एक मिनट, ग्रेवल का साइज क्या है 4.75 mm टू 80 mm, ठीक है, ये ग्रेवल का साइज हो गया। तो ग्रेवल के बारे में जान लीजिए क्या है, 50% और मोर ऑफ कोर्स फ्रैक्शन रिटेन ऑन दी 4.75 mm, दैट इज नंबर ऑफ फोर सीव। देखिए अभी ग्रेन्स सॉरी जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए हम लोग सीव का इस्तेमाल करेंगे। अभी सीव एनालिसिस में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग टॉप टू बॉटम एक पर्टिकुलर शेप एंड साइज का जो है, और कह लीजिए कि पर्टिकुलर सीव नंबर का हम लोग सीव को हम अरेंज करेंगे टॉप टू बॉटम, देन उसमें सीव शेकर में अरेंज करेंगे, ठीक है। तो ये ग्रेवल के बारे में हो गया। अब ग्रेवल को फर्दर और स्प्लिट किया गया है, क्लीन ग्रेवल और ग्रेवल्स विथ फाइंस, ये आपके कुछ नोटेशन है जैसे कि GW, ये आपको आगे फर्दर जो है हेल्प करेंगे नोटेशन के लिए कि किस प्रकार का आपका सॉयल है, ठीक है। अगर वेल ग्रेडेड ग्रेवल एंड ग्रेवल सैंड मिक्सचर है, ठीक है, या लिटिल और नो फाइंस है, तो उसको हम GW से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कुछ नोमेनक्लेचर हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो क्लीन ग्रेवल में आपका GW यानी वेल ग्रेडेड ग्रेवल,
और जीपी यानी पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल्स एंड ग्रेवल सैंड मिक्सचर लिटिल और नो फाइंस। ठीक है, नेक्स्ट आपका ग्रेवल विथ फाइंस, जिसको हम लोग जीएम और जीसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जीएम क्या है, सिल्टी ग्रेवल या फिर ग्रेवल सैंड सिल्ट मिक्सचर। जीसी क्ले ग्रेवल, ग्रेवल सैंड क्ले मिक्सचर। फर्दर आप सैंड पे आते हैं, तो सैंड क्या है, 50% और मोर ऑफ कोर्स फ्रैक्शन पासेस दी 4.75 mm सीव या फिर नंबर फोर सीव। क्लीन सैंड में देखिए, क्लीन सैंड में आपका रिप्रेजेंटेशन क्या है, एस डब्ल्यू, वेल ग्रेडेड सैंड एंड ग्रेवली सैंड लिटिल और नो फाइंस। एस पी, पुअरली ग्रेडेड सैंड एंड ग्रेवली सैंड लिटिल और नो फाइंस। उसी क्रम में सैंड विथ फाइंस के बारे में जान लीजिए, उसका नोटेशन क्या है, एस एम एंड एस सी। एस एम क्या है, सिल्टी सैंड, सैंड सिल्ट मिक्सचर, क्ले सैंड एंड सैंड क्ले मिक्सचर। अब बात करते हैं फाइन ग्रेन सॉइल के बारे में, इसमें आपका सिल्ट एंड क्ले आते हैं। ठीक है, तो सिल्ट एंड क्ले एक साथ मिक्स होते हैं, जो कि हम लिक्विड रिमिड के हिसाब से उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए, एम एल सी एल एंड ओ एल। एम एल क्या है, इनऑर्गेनिक सिल्ट, वेरी फाइन सैंड, रॉक फोर्स, सिल्टी और क्ले फाइन सैंड। सी एल क्या है, इनऑर्गेनिक क्लेस ऑफ लो टू मीडियम प्लास्टिसिटी, ग्रेवली सैंड सिल्ट लीन क्ले। ओ एल, ऑर्गेनिक सिल्ट एंड ऑर्गेनिक सिल्टी क्ले ऑफ लो प्लास्टिसिटी। अब उसी क्रम में आते हैं जो सिल्ट एंड सेल्ट क्ले है, वो लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 50%। एम एच, इसका रिप्रेजेंटेशन एम एच सी एच ओ एच एंड पी टी। एम एच क्या है, इनऑर्गेनिक सिल्ट, माइका कैसियस और डाइटोमेसियस फाइन सैंड और सिल्ट इलास्टिक सिल्टेज। सी एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनऑर्गेनिक क्लेस और हाई प्लास्टिसिटी फ्लैट क्लेस। ऑर्गेनिक क्लेस ऑफ मीडियम टू हाई प्लास्टिसिटी। पीटी यानी पिट, मक एंड अदर हाईली ऑर्गेनिक सॉइल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए पीटी यानी ये हाईली ऑर्गेनिक सॉइल के लिए अलग कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, पिट मक और जो लूम वगैरह है इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ग्रेवल का साइज क्या था आपका, 4.75 mm टू 80 mm। उसी क्रम में अगर हम सैंड के बारे में जाने, तो सैंड के बारे में पहले इसको इरेज करें। चलिए सैंड के बारे में, सैंड का साइज क्या है, सैंड क्या साइज नोट डाउन कर लीजिए, 0.075 mm टू 4.75 mm। तो 0.075 mm को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 75 माइक्रोमीटर। तो ये रहा आपका सैंड का साइज। अब वहीं पे हम सिल्ट के बारे में जानने की, सिल्ट ओनली सिल्ट का साइज क्या है, तो सिल्ट का साइज क्या है, 0.002 mm टू 0.075
एमएम, और सिंपलीफाइड कर दें तो 2 माइक्रोमीटर, 2 माइक्रोमीटर टू 75 माइक्रोमीटर, ये साइज होता है। क्ले के बारे में, क्ले के लिए यहाँ देखिए, क्ले का लेस देन 0.002 mm, या फिर सिंपलीफाइड फॉर्म में अगर हम बात करें तो लेस देन 2 माइक्रोमीटर। तो ये है साइज, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। फर्दर पार्टिकल साइज एनालिसिस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सीव एनालिसिस और सेडिमेंटेशन एनालिसिस के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सीव एनालिसिस आपका कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए होता है, और सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो कि हम फाइन ग्रेन सॉइल के लिए करते हैं, ठीक है। तो आगे ये देखिए, ये आपका साइज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 150 माइक्रोन किसका होता है? ह्यूमन हेयर का होता है। 25 माइक्रोन क्या होता है? लिंट पार्टिकल विजिबल टू द नेक्ड आई। अगर 10 माइक्रोन का कोई पार्टिकल है तो वो क्या होगा? हैवी डस्ट, लिंट, फर्टिलाइजर या फिर पोलेन। अगर आपका पार्टिकल साइज 5 टू 10 माइक्रोन है तो क्या हो सकता है? एवरेज डस्ट, प्लांट स्पोर्स या फिर मोल्ड्स। वहीं अगर पार्टिकल साइज 1 टू 5 माइक्रोन है तो वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, लाइट डस्ट हो सकता है, एनिमल डेंडर्स। वहीं अगर पार्टिकल का साइज 0.3 से 1 माइक्रोन है तो बैक्टीरिया, टोबैको एंड कोकिंग स्मोक, मेटालिक फ्यूम्स हो सकते हैं। 0.001 से लेके 0.01 माइक्रोन का अगर कोई पार्टिकल है तो वो वायरस हो सकता है, ठीक है। तो ये रहे साइज, ये है शेप। रॉड शेप में आपको पार्टिकल मिल सकता है, क्यूबिकल शेप में हो सकता है, फ्लैकी शेप में, निडल शेप में, प्रिज्म शेप में या फिर फ्लैग के शेप में भी मिल सकता है। ये भी आपके शेप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस शेप में आपको मैक्सिमम आपको मिल सकते हैं ग्रेन्स। जैसे ये आपका हाई स्फेरिसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, हाई स्फेरिसिटी, और उसी में क्या है आपको डाउनवर्ड में वेरी एंगुलर, ठीक है। तो ये पूरा आपका वेरी एंगुलर है, ठीक है। अगर इस पार्टिकल की बात करें तो ये लो स्फेरिसिटी है, यानी लो स्फेरिकल है और हाई एंगुलर है, ठीक है। और वहीं अगर इसकी हम बात करें तो ये क्या है आपका? वेल राउंडेड है, ठीक है, और हाई आपका स्फेरिसिटी है। तो ये कुछ शेप्स आपको दी हुई हैं। ऑन एन एवरेज आपको इसी शेप में आपको मैक्सिमम जो है ग्रेन्स पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ पार्टिकल शेप। पार्टिकल्स शेप से इफेक्ट क्या होता है भाई? फ्लोबिलिटी ऑफ द पाउडर्स, पैकिंग, पैकिंग मीन्स पैकिंग ऑफ द सॉयल या फिर सॉलिड कह लीजिए, फिर इंट्रैक्शन विथ फ्लूड एंड कवरिंग पावर ऑफ पिगमेंट, ठीक है। तो ये है पार्टिकल के, अगर पार्टिकल के साइज बड़े हो जाएंगे, ठीक है, साइज बड़े होंगे तो ये, जैसे ये पिगमेंट की बात हो रहा है तो किसी भी जैसे पेंट हो गया, वार्निश हो गया, तो इस सब में क्या हम लोग भी यूज करते हैं बहुत ही फाइन पाउडर, ठीक है। तो अगर उनका साइज बढ़ जाए तो उनकी पैकिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है, वो ठीक से एधर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये जो फ्लोबिलिटी है ये इफेक्ट कर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन देखिए क्या है। द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन मे बी डिफाइन एज पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए पाउडर और ग्रैनुलर मटेरियल और पार्टिकल डिस्पर्स्ड इन फ्लूइड। इट इज अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज और ए मैथमेटिकल फंक्शन दैट डिफाइन द रिलेटिव अमाउंट ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू साइज। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नोन एज ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है।
तो सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, दी पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए मटेरियल कैन बी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट, इट अफेक्ट द स्ट्रेंथ एंड लोकल बियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक एंड सॉयल. इट अफेक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ सॉलिड पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल रिएक्शन एंड नीड टू बी टाइटली कंट्रोल इन मेनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सच एज मैन्युफैक्चर ऑफ प्रिंटर, टोनर एंड कॉस्मेटिक्स. नेक्स्ट हम लोग मेजरमेंट टेक्निक के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से मेजरमेंट टेक्निक हम जो है यूज करते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. तो अगर हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के मेजरमेंट टेक्निक की बात करें तो मेजर हम लोग सीव एनालिसिस और सेडिमेंटेशन एनालिसिस के बारे में ही जानते हैं. बाकी आपके बहुत से मेथड्स हैं, इवन 10 मेथड्स हैं जो कि उतने पॉपुलर नहीं है, जैसे कि आपका ऑप्टिकल काउंटिंग मेथड, चाहे आपका फोटो एनालिसिस मेथड हो गया, चाहे इलेक्ट्रो रेजिस्टेंस काउंटिंग मेथड, सेडिमेंटेशन टेक्निक, लेजर डाइफ्रेक्शन मेथड, लेजर ऑब्स्कुरेशन टाइम, एकॉस्टिक स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर अल्ट्रासाउंड एटेन्यूएशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एयर पॉल्यूशन इमिशन मेजरमेंट, ये सभी जो है आपके मेजरमेंट टेक्निक हैं जिसमें आपका जो पॉपुलर मेथड्स हैं जैसे सीव एनालिसिस जो कि बहुत ही ओल्डेस्ट मेथड है और अभी तक इसको फॉलो करते हैं, ओल्डेस्ट मेथड होने के साथ साथ ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड भी है, ठीक है, जिसको हम फील्ड एज वेल एज लैब में परफॉर्म करते हैं, ठीक है. उसके बाद आपका सेडिमेंटेशन मेथड है जो कि हम लोग फील्ड में करना संभव नहीं होता है तो इसको हम लोग लैब में परफॉर्म करते हैं, ठीक है. तो अगर हम मोस्ट पॉपुलर मेथड की बात करें तो सीव एनालिसिस है जो कि मोस्ट पॉपुलर मेथड है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो सीव एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करते हैं. सीव एनालिसिस, सीव एनालिसिस डिटरमिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज, यहां पे पार्टिकल है, पार्टिकल साइज इज मोर इंपॉर्टेंट इन सिविल इंजीनियरिंग एज द पार्टिकल साइज डिटरमाइंस द इफेक्टिवनेस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट. द कैरेक्टर ऑफ पार्टिकल सच एज बल्क डेंसिटी, फिजिकल स्टेबिलिटी, परमेबिलिटी एंड मेनी मोर आर डिसाइडेड बाई इट्स साइज. To determine the size distribution of particle, the sieve analysis test procedure is an effective method that prevail from the past. In sieve analysis, the particle size distribution is defined using the mass or volume. Sieve analysis is a laboratory test procedure in which particles will move vertically or horizontally through sieve maze. Depending on the need and particle material, different sieving methods are available for application. They are manual sieving method, mechanical sieving method, dry sieving method and wet sieving method. तो manual sieving method की अगर बात करें तो manual sieving method is carried out in place where there is no electricity and mainly used in on-site differentiation among large and small particles. Mechanical sieving की बात करें तो mechanical sieving method is used in laboratory to assure the quality and this is widely using method in present day. In mechanical sieving, the method can be classified into two further groups depending on their sieving movement as horizontal movement sieving method and vertical movement sieving method. The vertical movement sieving method is also known as throw action sieving and vibratory sieving method. Dry sieving method is considered mostly and here to the testing particle specimen are in dry state. Wet sieving method is considered when the particle that is going to be used is already exist as wet or suspension. Here in the sieve shaker machine, a nozzle will be provided to water the uppermost sample material, but need some extra about the water concentration during this wet sieving experiment. So process of sieving mein hum kya kya dekhte hain ki apparatus kya chahiye, specimen, सीव सेकर, BS 410 स्टैंडर्ड सीव,
पॉइंट 1 ग्राम एक्यूरेसी बैलेंस ओवन पार्सलिन डिस्क एंड स्पैचुला रिसीविंग पैन क्लीनिंग ब्रश एंड क्लॉक। प्रोसीजर के बारे में देखते हैं, प्रोसीजर क्या है भाई। क्लीन द सीव ऑफ द सीव सेकर यूजिंग क्लीनिंग ब्रश इफ एनी पार्टिकल आर स्टक इन द ओपनिंग। रिकॉर्ड द वेट ऑफ ईच सीव एंड रिसीविंग पैन। ड्राई द स्पेसमैन इन ओवन फॉर 3 to 4 मिनट टू गेट अ ड्राई स्पेसमैन। इग्नोर इफ स्पेसमैन इज ऑलरेडी ड्राइड। वेट द स्पेसमैन एंड रिकॉर्ड इट वेट। नेक्स्ट अरेंज द सीव इन ऑर्डर एज द स्मॉल ओपनिंग सीव टू द लास्ट एंड लार्जर ओपनिंग सीव टू द टॉप। सिंपली अरेंज देम टू द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सीव नंबर 4 सीव नंबर 4 ऑन टॉप एंड नंबर 200 सीव एज बॉटम। सीव नंबर एंड द पार्टिकल साइज आर प्रोवाइडेड बिलो इन द चार्ट फॉर द फर्दर अंडरस्टैंडिंग। देखिए, कीप द वेट रिकॉर्ड स्पेसमैन ऑन टॉप सीविंग एंड कीप द कंप्लीट सीव स्टैक ऑन द सीव सेकर। अलाउ द सेकर टू वर्क 5 to 10 मिनट्स। यूज द क्लॉक हियर। एक्चुअली में हम लोग 10 मिनट ही यूज करते हैं। रिमूव द सीव स्टैक फ्रॉम सेकर एंड रिकॉर्ड द वेट ऑफ ईच सीव एंड रिसीविंग पैन सेपरेटली। तो स्टेप फर्स्ट ये है कि हम लोग पूरे सीव को क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद उसको वे कर लेंगे। वे द सीव स्पेसमैन एंड रिसीविंग पैन सेपरेटली। स्टेप टू क्या कर रहा है, अरेंज द सीव इन ऑर्डर एंड पोर द स्पेसमैन इन टू द फर्स्ट सीव। सीव को अरेंज करेंगे, ठीक है। अरेंज करने के बाद क्या है, नीचे पैन है, ऊपर से लीड लगा देंगे। इसमें सैंपल हम लेते हैं। अब सैंपल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप जो है 100 ग्राम भी ले सकते हैं या फिर 500 ग्राम भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जो भी सॉइल सैंपल आप लेंगे, उसके बाद जब सीव सेकर पे उसको पुट कर देंगे, तो स्टेप 4 देखिए, सीव सेकर पे उसको पुट कर रहे हैं। कीप द अरेंज सीव ऑन द सीव सेकर एंड अलाउ टू सेक फॉर 15 मिनट। 10 to 15 मिनट एक्चुअली में होता है। तो सीव करने के बाद क्या है कि इन सभी सीव में जिस हिसाब से पार्टिकल होंगे इसमें रिटेन हो जाएंगे। फिर इन सब सीव को क्या करेंगे, वेव करेंगे। तो पांचवी स्टेप में क्या कह रहा है, वे द मास ऑफ पार्टिकल ऑन ईच सीव, ठीक है। सबको नोट करेंगे और इस टेबल में हम उसको नोट डाउन करते जाएंगे। जैसे आपका सीव नंबर 4 हो गया, चाहे 10, 20, जो भी जिस प्रकार आपने सीव को अरेंज किया है टॉप टू बॉटम, ठीक है, उस हिसाब से। जैसे कि आपका सीव ओपनिंग सबसे ऊपर क्या कौन सा साइज के था, 4.75 mm का, और लास्ट में आपका 0.75 mm का सीव यहाँ पे अरेंज है, ठीक है। तो उसी प्रकार पे यहाँ पे सैंपल आपका रिटेन होगा। तो उन सभी सैंपल को आप यहाँ पे नोट डाउन करते जाएंगे। फिर उसी का ड्राई मास आप निकाल लीजिए, ठीक है। फिर कितना परसेंट वो रिटेन हुआ इसके बारे में यहाँ पर नोट करिए। फिर यहाँ पे मान लीजिए जो भी आपका एक्स आया, वाई आया, जेड आया, तो क्यूमुलेटिव आप निकालें। क्यूमुलेटिव यहाँ पे एक्स हो गया, फिर ये एक्स प्लस वाई, ठीक है, फिर ये आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये ऐसे ऐसे क्यूमुलेटिव होता जाएगा। फिर परसेंटेज फाइनल को हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल टोटल सॉइल आपका जो आया था, कितना हमने लिया था, 100 ग्राम चाहे 500 ग्राम जो भी लिया हो, लास्ट में आपका उतना ही आना चाहिए कैलकुलेट करने के बाद टोटल, ठीक है। फिर उसके बाद आप D10, D30, D60, यानी आपका जो आपका कोफिशियंट ऑफ अनकन्फर्मिटी और मतलब CO और CC की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है कुछ कैलकुलेशन के मेथड, ठीक है। इस मेथड के थ्रू आप जो है कोफिशियंट ऑफ कर्वेचर एंड कोफिशियंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, CU एंड CC, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने के लिए क्या है, मास जिसको हम M1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेक्स्ट मास ऑफ सी प्लस रिटेन सॉइल जिसको हम M2 कह रहे हैं, और M2 माइनस M1 क्या होगा आपका, मास ऑफ सॉइल होगा। नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज मास रिटेन ऑन सीव, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे मास ऑफ सॉइल अपॉन वेट ऑफ द स्पेसमैन इनटू 100। तो परसेंटेज ऑफ द मास आ जाएगा आपका। वहीं अगर हम क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ सॉइल ऑन सीव जिसको ZR से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, माइनस इट इज कैलकुलेटेड बाई एडिंग द परसेंटेज रिटेन ऑन द सीव एंड ऑल सीव अबव द सीव। नेक्स्ट परसेंटेज फाइनल को कैलकुलेट करेंगे या परसेंटेज क्यूमुलेटिव पासिंग, ठीक है। तो 100 माइनस ZR कर देंगे। नेक्स्ट प्लॉट द ग्राफ फॉर लॉग ग्रेन और सीव साइज वर्सेस परसेंटेज फाइनल। कंसीडर द लॉग साइज सीव और ग्रेन साइज ऑन द एक्स एक्सिस।
तो ग्राफ के बारे में जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और एक बार हम जो है इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे एक न्यूमेरिकल इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है हम लोग पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में सीप एनालिसिस मेथड के थ्रू कैसे हम पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका नेक्स्ट वीडियो में होगा। आगे बोल रहा है कि कैलकुलेट द सीसी एंड सीयू वैल्यू फॉर द सॉइल फ्रॉम द ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफिकल फॉर्मेट में हम लोग करेंगे, तो सीयू को हम रिप्रेजेंट करेंगे D60 अपन D10 एंड सीसी D30 स्क्वायर अपन D62 D10। तो इससे आपका ये आपका फाइंड आउट हो जाएगा सीसी एंड सीयू के वैल्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिलेंगे, उस प्रॉब्लम से जो है हम लोग इस टेबल में पूरा वैल्यू पुट करके एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन हम लोग प्लॉट करेंगे कर्व के बारे में। ठीक है, जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में कर्व होता है वो कैसे ड्रा होगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।